लगातार हो रही बारिश के चलते बांधों में भी यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर चल रही है। वहीं केन नदी खतरे के निशान के बराबर चल रही है, जिसको देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान आज बांदा पहुंचे और उन्होंने जिला प्रशासन के साथ नदी के किनारे बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बता दें कि बांदा जनपद में दो प्रमुख नदियां हैं, जिनमें से एक पश्चिम की ओर केन नदी है और दूसरी पूरब की ओर यमुना नदी है। केन नदी खतरे के निशान के 104 मीटर पर चल रही है, तो वहीं पिछले 24 घंटे में केन नदी का जलस्तर 1 मीटर कम भी हुआ है। तो वहीं यमुना नदी अभी भी खतरे के निशान के 100 मीटर से 1 मीटर ऊपर चल रही है, जिसको देखते हुए शासन प्रशासन ने राहत व बचाव कार्य तेज कर दिया। साथ ही समय रहते लोगों से मकान खाली करने के निर्देश लगातार जारी कर दिए गए। बाढ़ के हालातों का जायजा लेने आज उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री राकेश सचान बांदा पहुंचे। जिलाधिकारी व प्रशासन के साथ नाव पर बैठकर मंत्री राकेश सचान ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया और वहां की स्थिति जानी। मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को तुरंत मदद पहुंचाई जाए। जिनके घरों में पानी घुस गया है उनको खाने पीने और रहने की व्यवस्था दी जाए और बाढ़ की वजह से हुए फसलों के नुकसान का आकलन कर तुरंत मुआवजा दिया जाए और लगातार नदी के जलस्तर पर नजर रखी जाए, जिसके चलते लोगों को खतरे के पहले ही अलर्ट किया जाए। इस तरह से निर्देश हम लोगों ने दिया है अधिकारियों को कि कहीं कोई प्रभावित परिवार है जहाँ खाना आज की दिक्कत है वो भी उनको उपलब्ध कराया जाए, राशन सरकार के द्वारा दिया जा रहा है और भी जो सुविधाएं दी जा सकती है वो दी जाएंगी। कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित नहीं रहेगा, सबकी मदद सरकार करेगी, उनके साथ सरकार खड़ी है। सर आपके द्वारा अभी कुछ राशन सामग्री लेके जाई जा रही है, क्या है, क्या क्या पहुंचाया जा रहा है? अभी हम लोग गांव तरफ जा रहे हैं, लोगों से मिलेंगे और जहां जो आवश्यकताएं होंगी उनकी पूर्ति की जाएगी। बाढ़ से कोई व्यक्ति प्रभावित नहीं रहेगा, सरकार उनके साथ है। सारी हमारी मशीनरी, जिलाधिकारी, SDM, तहसीलदार, सारे लोग अपने अपने क्षेत्रों पर लगे हैं और सभी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि कोई भी व्यक्ति बाढ़ से प्रभावित न रहे और जो भी फसल आदि का नुकसान हुआ है उसको जिलाधिकारी सर्वे कराएंगे और जो भी फसल में हम लोग मुआवजा दे सकते हैं वो मुआवजा उनको मिलेगा। किसान बीमा योजना के तहत तो पैसा मिलेगा और जो भी प्रधानमंत्री बीमा योजना में जो फसल का बीमा होता है, मैं जिलाधिकारी से ये कहूँगा कि जो भी प्रभावित क्षेत्र हैं जिनकी भी फसलें बर्बाद हुई हैं उनको भी मुआवजा सरकार देगी। सर लगभग कितने गांव चपेट में बांदा जनपद के बाढ़ के? अब दर्जनों गांव हैं जो किनारे किनारे के हैं, चूँकि यमुना नदी में बाढ़ है और उसी के बैक पानी से केन नदी से प्रभावित जो गांव किनारे किनारे हैं, तो हमारी समझ में कम से कम 50 गाँव होंगे जो बांदा जनपद के बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन ऐसी तादाद में नहीं प्रभावित है कि उनको गांव खाली करना पड़ रहा हो या कोई ऐसी व्यवस्था हो। जानवरों के लिए भी जो चारे आदि की व्यवस्था होगी वो भी सरकार करेगी। सर मैं क्या कहना सर कि बांदा जनपद में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हमारा मंत्री समूह यहां पर आया हुआ है और हमारे बांदा में अभी हम लोग दौरा करके आए हैं। 35 से 40 गाँव बाढ़ से प्रभावित हैं। अभी पांडवन डेरा में हम लोग गए, वहाँ कुछ राहत सामग्री बांट के आए हैं और सब जगह तहसीलदार, लेखपाल और SDM ने अपनी पूरी टीम लगाई है। वहाँ सूची बन रही है, जो भी प्रभावित लोग हैं उनको राहत सामग्री पहुँचाई जाएगी। अगर जानवरों को चारे की कमी है तो चारे की व्यवस्था की जाएगी और कहीं कोई अगर बीमार लोग हैं उनको दवा इलाज की सारी व्यवस्था होगी। योगी जी की सरकार में सभी को राहत दी जाएगी। हमारे हमीरपुर, बांदा, कल हम लोग चित्रकूट में थे, चित्रकूट में भी जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं, यहाँ पर भी जिलाधिकारी भी साथ में थे, SDM भी थे और इनको निर्देश दिए गए हैं। क्योंकि आज और कई कार्यक्रम हैं, इन्होंने पूरी टीम लगा रखी है, जो भी प्रभावित गाँव है उनका टीम जाके दौरा कर रही है और उन लोगों की सूची बना करके उन तक हर तरह की राहत सामग्री पहुंचाने का काम है। बाढ़ प्रभावित इलाके में 5000 बीघे की फसल किसानों की जलमग्न है, जिसको लेकर के जिलाधिकारी चिंतित है, साथ ही साथ टीम भी भेजा है। कब तक इन किसानों को मुआवजा मिलने की संभावना है? देखिए, ये हमने अभी उसी नाव में ही बात हुई है जिलाधिकारी महोदय से,
उन्होंने कहा जैसे पानी उतरेगा जिन जिन किसानों ने खेत बोए थे उनका सर्वे करा करके सबको उनको मुआवजा दिलाने का जो हमारी प्रधानमंत्री बीमा योजना है इस योजना के तहत और जो भी सरकार की तरफ से होगी वो राहत सामग्री किसानों को दी जाएगी। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट।